हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? पढ़ाई कर रहे होंगे? आज बच्चों हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा और टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी और मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब जाके टॉर्क कितना बनेगा और मिनिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे कि टॉर्क किस तरह से कौन कौन से फैक्टर के ऊपर अफेक्टेड होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखना, हमारे साथ बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान के चलो हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर तरह से चारों तरफ से हर ओर से क्या है, बराबर है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर हमने कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़े हैं पिछले वाले लेक्चर में, दो सिमिलर चार्ज लेकिन अपोजिट हों, तो एक पे हमने प्लस क्यू रखा, एक पे माइनस क्यू रखा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा जो फोर्स काम करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में काम करेगा, एफ बराबर क्यू ई। निगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा फोर्स क्यू ई। अब यहाँ पर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बच्चों टॉर्क नेट की वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, जीरो, कहें तो टाउ नेट की वैल्यू जीरो। अभी टाउ नेट की वैल्यू जीरो है तो ये किसको से डिनोट कर रहा है, इक्विलिब्रियम के केस को, इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम तो है लेकिन यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन है टॉर्क, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमेशा टॉर्क की डायरेक्शन होगी। ये अपने सेंटर के अबाउट घूमेगा तो ये डिस्टेंस टोटल जो होती है टॉर्क की डिस्टेंस, डायपोल की डिस्टेंस, उसमें हम पढ़ते हैं क्या टोटल होती है, जो 2L, टोटल को हम पढ़ेंगे 2L, तो आधी डिस्टेंस को हम पढ़ेंगे कितनी, L। तो ये पूरे डायपोल को हमने इसके अंदर रखा हुआ है, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। ये वाली डायपोल को उठा के इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। यहाँ पर एंगल हमने मान लिया कितना है, थीटा। अब यहाँ पर टॉर्क टाउ नेट की वैल्यू तो जीरो है लेकिन ये एक डायरेक्शन में घूमेगा क्योंकि यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। जब एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे ये काम नहीं करेंगे तो यहाँ पर टाउ नेट और एफ नेट की वैल्यू जीरो तो है लेकिन ये घूमेगा किसकी वजह से, घूमेगा एफ बराबर क्यू ई की वजह से, और यहाँ पर जो दोनों फोर्स हैं वो ये सेम डायरेक्शन में काम करेंगे। तो जो फोर्स एफ बराबर क्यू ई है इनकी वजह से टॉर्क होगा जनरेट, इनकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा सेम डायरेक्शन में। ठीक, अभी टॉर्क जनरेट होगा सेम डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर डायरेक्शन दोनों की सेम है तो यहाँ से एफ नेट हम निकाल सकते हैं या टाउ नेट हम निकाल सकते हैं, टाउ वन प्लस टाउ टू। ठीक है, अब यहाँ पर टॉर्क वन क्या होता है, तो 11th क्लास में पहुँच जाओ, टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, एफ क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट वो घूम रहा है, जैसे हमने माना कि किसके अबाउट घूम रहा है, तो इसके अबाउट घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो एफ इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली पॉइंट पर क्या है, ये हिंज है, फोर्स यहाँ पर लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी, इसी तरह से फोर्स यहाँ पर लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी, ये थीटा, तो इधर वाला भी क्या होगा, थीटा होगा, ये वाली डिस्टेंस क्या बनेगी, एल साइन थीटा। इसी तरह से ये भी कितनी बनेगी, एल साइन थीटा। यहाँ से टाउ वन की वैल्यू, टाउ नेट क्या बनेगा, टाउ नेट बराबर एफ, एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू एल इंटू में साइन थीटा प्लस क्यू ई एल। एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू ई, और एल साइन थीटा, तो क्यू ई एल साइन थीटा। यहाँ से टाउ नेट की वैल्यू जो बनेगी, ये दोनों हमारे कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज की वजह से दोनों हमने पॉजिटिव ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा टू क्यू ई एल साइन थीटा। यहाँ से हम लोग पढ़ा करते थे डायपोल मोमेंट पी बराबर
क्यू इंटू में 12। तो जहाँ पर क्यू इंटू 12 लिखा है वहाँ की हम जगह पी रख सकते हैं, तो टाउलेट क्या बनेगा, पी ई साइन थीटा। अब यहाँ पर आप पढ़ा करते थे ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वेक्टर दो है हमारे पास, एक ए है एक बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या सही होगा, पी क्रॉस ई सही होगा या फिर ई क्रॉस पी सही होगा, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो यही आने वाला है। तो यहाँ पर ज़रा डायरेक्शन के हिसाब से हम देख सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करके फिंगर को कर्ल करेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर फिंगर को रखेंगे, कर्ल किया हमने तो थंब कहाँ गया, अंदर की तरफ। तो ये डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। तो यहाँ से पी क्रॉस ई वाला बिल्कुल सही है। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा टाओ बराबर वो बनेगा पी क्रॉस ई, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पी एंड ई, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी बनेगी। तो केस वन, मैक्सिमम टॉर्क तो बच्चों बात करें, यहाँ पर लिखा है टॉर्क टाओ बराबर पीई साइन थीटा। तो सीधी सी बात है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू हो जाए 270 डिग्री, तब जाके क्या बनेगा, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। किस तरह से, जैसे मान लो कोई टॉर्क यूनिफॉर्म हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इसमें कोई पहले डायपोल हमारा इस तरह से रखा हुआ था, ठीक है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू इसके बाद घूम रहा है। अब जाके हमने क्या करा, इसको थोड़ा घुमा दिया, कितना घुमाया 90 डिग्री। जब 90 डिग्री घुमाया तो यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर क्या आया प्लस क्यू, ये कितना घुमा 90 डिग्री। फिर से अगर घुमाएं तो कितना घूम जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 180, यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, नीचे माइनस क्यू, ऊपर क्या पहुँच जाएगा प्लस क्यू। तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, कितना घूमा शुरुआत से 90, 180, 270। तो ये जब 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री हमारा ये भी बन रहा है, 90 डिग्री ये भी बन रहा है, मतलब 90 डिग्री या 270 डिग्री, तब जाके टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर पी और ई दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर पी और ई आपस में दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर, जैसे मान के चलो यहाँ पर जो पी की डायरेक्शन होगी वो होगी निगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पर पी की डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव से पॉजिटिव ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर। जब दोनों परपेंडिकुलर मिलेंगे तब जाके क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ई परपेंडिकुलर किसके होना चाहिए, डायपोल मोमेंट के। एक केस और है मिनिमम के लिए, मिनिमम मिनिमम के लिए कौन सा केस बनेगा, तो जरा इनको भी समझ लेते हैं। मिनिमम टॉर्क टाव बराबर लिखा हुआ है क्या, ई साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, कितनी 0 डिग्री, तब जाके टॉर्क या 180 डिग्री हो जाए, तब जाके टॉर्क अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। इसके दो केस बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, यहाँ पर एक केस बनेगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये है, ठीक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये दे रखा है दूसरा, ठीक। यहाँ पर किसी डायपोल को हमने रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है,
यहाँ पर किसी डायपोल को रखा, ये वाले केस में प्लस की इधर है, ये वाले केस में माइनस की इधर है, ये वाले केस में प्लस की इधर है, ये वाले केस में माइनस की इधर है। डायपोल मोमेंट किधर काम करेगा? इधर। इसके लिए डायपोल मोमेंट काम करेगा इधर। ये वाले केस में थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। ये वाले केस में थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। ठीक, तो ये वाले में क्या होगा? फोर्स जो काम करेगा, फोर्स वो इधर काम करेगा। इसके लिए फोर्स काम करेगा अभी, तो क्यू इधर काम करेगा। इनके लिए जो फोर्स काम करेगा वो इधर काम करेगा, इस तरह से क्यू ई। इसके लिए काम करेगा फोर्स, वो इधर काम करेगा क्यू ई। अब क्या ये वाले दोनों तो है इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये क्या है? दोनों हमारे इक्विलिब्रियम में है। ये भी इक्विलिब्रियम और ये भी इक्विलिब्रियम। अब पहुंचा 11th क्लास में, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़े थे। एक था स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वाला जरा टॉर्क, ये वाला डायपोल मोमेंट की बात करें, तो यहाँ पर अगर मान के चलो थोड़ा सा भी अगर डायपोल को डिस्टर्ब करें, तो डिस्टर्ब करने के बाद तुरंत अपने यहाँ कहाँ पर आ जाएगा? इनिशियल पोजिशन में। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो अपनी इनिशियल पोजिशन में नहीं आएगा, तो इसको हम पढ़ते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये वाले को पढ़ते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो दो तरह के इक्विलिब्रियम है, एक बनेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक बनेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सवाल करते हैं। मान लो कोई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डायपोल रखा हुआ है, डायपोल जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर इसका मास जो है एम है, यहाँ पर चार्ज है कि प्लस क्यू, यहाँ पर है माइनस क्यू, यहाँ से सेंटर के बाद रोटेट कर रहा है, यहाँ पर लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है। आपको फाइंड करना है कि फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ डायपोल जस्ट एट द मोमेंट डायपोल इज रिलीज। और जैसे ही डायपोल मोमेंट को हमने क्या करा? रिलीज करा, तो आपको फाइंड करना है कि कितना होगा एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो आ जाओ, टाउ बराबर हम लोग पढ़ते हैं क्या? पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। आपको एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। टाउ बराबर हम पढ़ते थे आई एल्फा, तो यहाँ से बनेगा आई एल्फा बराबर क्यू इंटू में 2L इंटू में ई। साइन थीटा की वैल्यू है साइन 30 डिग्री। आई की वैल्यू बच्चों हम लोग पढ़ा करते थे टाउ बराबर आई एल्फा, तो यहाँ से आई रॉड के लिए क्या था? एम, जैसे पढ़ते थे एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, इस तरह पढ़ा करते थे। तो यहाँ पर दो ही हैं, तो क्या बनेगा? एम वन एल वन स्क्वायर प्लस एम टू एल टू स्क्वायर। तो आई की वैल्यू बन जाएगी क्या? 2m l स्क्वायर। यहाँ से आई की वैल्यू रखेंगे तो बनेगा 2m l स्क्वायर इंटू में एल्फा बराबर हो जाएगा क्यू इंटू में 2l इंटू में ई इंटू में 1/2, 2 से 2 खत्म। यहाँ से बन जाएगा एम एल, एल से एल खत्म हो जाएगा, एम एल एल्फा बराबर क्यू ई अपॉन में 2। एल्फा की वैल्यू क्या बनेगी? क्यू ई अपॉन में 2 ml। तो ध्यान रखना एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू इस तरह से निकल के आएगी, इसके लिए टॉर्क के लिए। अब टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड मान लो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टॉर्क डायपोल रखा हुआ है, कोई डायपोल प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, इसको हल्का सा क्या करा हमने? इस तरह से घुमा दिया। मान लो थीटा एंगल पे हम रिलीज करा दिए थीटा एंगल पे, तो यहाँ पर प्लस क्यू पहुँच गया, यहाँ पर माइनस क्यू पहुँच गया। यहाँ पर क्या होगा? एक फोर्स इधर काम करेगा जिसका वैल्यू होगा क्यू ई, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में काम करता है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर माइनस काम करेगा कौन? क्यू ई, ये डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। आपको फाइंड करना है फाइंड
टाइम पीरियड टी आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेस डाइपोल। स्लाइटली हल्का सा डाइपोल को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करा देंगे तब जाके फाइंड करना है। तो हमने मान लिया इफ मान लो रोटेटेड टॉर्क, हमारा टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क बराबर होता है पी ई साइन थीटा। और यहाँ से जब रिलीज कराओगे तो साइन थीटा टेन की हमारा किसके बराबर होता है थीटा के, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है बहुत छोटी है। अच्छा एफ डायरेक्टली किसके होता है माइनस एक्स के, भाई ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो ज़्यादा रिलीज होगा। जैसे मान के चलो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पर रीहिस्टोरिक टॉर्क ज़्यादा लगेगा। तो ये हमारा कहने की रीहिस्टोरिक टॉर्क को बता रहा है, तो टॉर्क क्या होगा डायरेक्टली होगा किसके माइनस थीटा की, जो बताता है कि रीहिस्टोरिक टॉर्क। तो रीहिस्टोरिक टॉर्क ज़्यादा होगा जब उसको ज़्यादा एंगल पे घुमाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर टॉर्क जो बना टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा की वैल्यू बन जाएगी माइनस का थीटा, टॉर्क बराबर बनेगा पी ई माइनस थीटा। ठीक, टॉर्क की वैल्यू क्या है आई एल्फा बराबर पी माइनस थीटा। एल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से, एल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, एल्फा बराबर किसके माइनस थीटा के लगभग। तो ए बराबर हम लोग पढ़ते हैं क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स, तो एल्फा बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में थीटा। एल्फा की वैल्यू रखो तो आई इंटू में एल्फा की वैल्यू क्या होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में थीटा बराबर बनेगा पी ई और माइनस थीटा, माइनस से माइनस खत्म, यहाँ से बनेगा ओमेगा बराबर रूट के अंदर पी ई अपॉन में आई। ओमेगा की वैल्यू आगे निकल के टाइम पीरियड क्या होता है टू पाई अपॉन में ओमेगा, तो यहाँ से टू पाई ओमेगा की वैल्यू कितनी आई तो आई अपॉन में पी ई। तो ये जाके टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा। तो ये जनरल केस था, तो हमने यहाँ पर टॉर्क का सारे कंसेप्ट देखे, दोनों वेरिकल करे बहुत आसान से, तो यहाँ से आपके टॉर्क के लिए के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू ऑल द वेरी।